हेलो, आई एम आरजी शारदा एंड आई एम बैक विद अनदर मूवी रिव्यू। ये 15th अगस्त ऑब्वियसली हर किसी का बहुत ही बोरिंग होगा। कोई स्कूल की मिठाइयां मिस कर रहा होगा तो कोई ऑफिस की मिठाइयां मिस कर रहा होगा, पर एक चीज जो हमने मिस नहीं की थैंकफुली वो है 15th अगस्त पे कोई फिल्म। और इस साल आई गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो फौजी बनकर दिखाओ, वरना घर जाकर बेलन चलाओ। हमारी जिम्मेदारी है इस देश की रक्षा करना, तुम्हें बराबरी का मौका देना नहीं। ये कहानी है उस इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर की हु इज द फर्स्ट वुमन टू फ्लाई इन अ वॉर जोन। इनको शौर्यवीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो अपने को इतना तो मालूम था यार कि जो भी होगा स्टोरी स्ट्रांग होगी, लेकिन उसको दिखाया कैसे जाएगा और कैसे दिखाया गया है इस डिबेट थे। और इसके अलावा एक चीज जो एकदम क्लियर हो जानी चाहिए किसी भी एंगल से, इट्स नॉट अ पेट्रियोटिक मूवी। जो भी है, एक छोटी सी लड़की का सपना है और वो सपना कैसे वो पूरा करती है, इसकी कहानी है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। अगर यहाँ पर आप जानवी कपूर को ट्रोल होते हुए देखने आए हैं तो देखिए, नहीं तो जरूर देखिए। कहानी शुरू होती है जब 8 साल की गुंजू कॉकपिट से बाहर का नजारा देखती है। तब से उसे उस नजारे से प्यार हो जाता है और उसका सपना बन जाता है पायलट बनना। लेकिन ये साल था 1984, ये आम बात नहीं थी उस वक्त की कोई भी लड़की प्लेन उड़ा रही है, जिस वजह से गुंजन का भाई और उसकी माँ उसके सपने को अपोज करते हैं। लेकिन गुंजन के पापा इज ऑलवेज बाय हर साइड। पायलट तो बनकर रहेगी। आप मेरी तरफ हैं कि उसकी? हम तो इस तरफ हैं। तो गुंजन कैसे अपनी माँ, अपने भाई और इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी का क्रिटिसिज्म झेलते हुए आगे बढ़ती है और अपना सपना पूरा करती है? This is the story of Gunjan Saxena, the Kargil girl. Janvi Kapoor is in the role of Gunjan Saxena. Unke father ke kirdaar mein hai Pankaj Tripathi, jinko dekhna aap miss nahi kar sakte hain. Is bande ko dekh ke aisa lagega ki kya sar pe barf ki silli rakhi hai? Matlab itne cool aur calm, kaise kar lete ho ye? Well, moving on. Aisha Raza in Gunjan's mother role aur Angad Bedi as Gunjan's brother are really very good. इनके अलावा विनीत कुमार, मानव विज एंड ऑल्सो बारबी राजपूत इन द कैरेक्टर ऑफ मनु आर परफेक्ट। शरण शर्मा ने एज अ डायरेक्टर डेब्यू किया है इस फिल्म से और उनके साथ इस फिल्म को लिखा है निखिल मेहरोत्रा ने, एंड इट इज डन ब्यूटिफुली। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिटेल्स। स्टोरी बहुत अच्छे से लिखी गई है और डायरेक्शन इज एप्ट, जिसकी वजह से कहीं भी आपको स्टोरी बहुत फिल्मी नहीं लगेगी। ये जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम होती है ना कि हर एक बायोपिक को इतनी फिल्मी बना देते हैं कि वो रियलिस्टिक लगती ही नहीं है, ये दिक्कत आपको गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल में नहीं मिलेगी। पर एक जगह जहां डायरेक्टर शरण शर्मा मात खाते हैं वो है बैटल सीक्वेंस। एक बैटल सीक्वेंस है पूरी फिल्म में और उसे भी बस दिखा दिया गया है ऐसा लगता है। इट इज नॉट वेरी मच कन्विंसिंग, तो बस ये बात थोड़ी सी खलती है। अदरवाइज म्यूजिक बहुत अच्छी है, अमित त्रिवेदी ने म्यूजिक दिया है एंड इट इज वोवन इनटू द नैरेटिव। रेखा भारद्वाज और अरिजीत सिंह की आवाज विल जस्ट मेक इट बेटर। और ऐसी जो फिल्में होती है ना जो वुमेन एम्पावरमेंट या फेमिनिज्म की मशाल लेके चलती हैं, इनके साथ कभी कभार ऐसी दिक्कत हो जाती है दैट एक्चुअली दे गो अ बिट आउट ऑफ प्लेस या मैसेजिंग सही तरीके से नहीं आ पाती है सामने, कुछ फॉल्ट हो जाता है। पर इस फिल्म में आपको ऐसी कोई भी गलती देखने को नहीं मिलेगी। जो मैसेज है उसे अच्छे से रखा गया है, जो प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं बड़ी प्रैक्टिकल है। अगर आप एक लड़की हैं, इफ यू आर अ वुमन यू विल बी एबल टू कनेक्ट टू इट, इट इज वेरी नेचुरल। और जहां तक बात है जानवी कपूर की, तो केवल ट्रोल करने के मकसद से किसी को ट्रोल करना इज रियली नॉट अ थिंग एनी वन शुड डू। सैडली ऐसा हो रहा है, पर मैंने जितना देखा और मुझे जो भी परफॉर्मेंस जानवी कपूर की लगी, इट वॉज अप टू द मार्क अकॉर्डिंग टू मी। स्पेशली एक जो सीन है जहां पे जानवी कपूर को पंजा लड़ाना है अपने कलीग के साथ, वहां पे यू विल बी इमोशनली शेकन, ट्रस्ट मी। और ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेज हैं जिनमें यू विल टोटली बी इमोशनली इन्वॉल्व्ड। तो आई थिंक गुंजन सक्सेना इज अ ब्रिलियंट मूवी। केवल इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट की वजह से इसे मिस मत करना। यू कैन वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स। और गुंजन सक्सेना की स्टोरी क्योंकि बहुत अच्छी है तो ये आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। अगर और किसी के लिए नहीं, वॉच इट फॉर गुंजन सक्सेना, फॉर पंकज त्रिपाठी, अमेजिंगली डन। सो डू वॉच दिस मूवी। अगर ऑलरेडी देख ली है तो जरूर बताओ कि आपको कैसी लगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाओ जो आपके जहन में है। अगर जानवी कपूर के लिए कुछ कहना चाहते हो, मेरे रिव्यू के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो जरूर लिखो, ठीक है? बिल्कुल हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, आई एम रेडी फॉर इट। अगर पसंद आया हो रिव्यू तो जरूर लाइक करना, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को।
मैं बहुत सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती हूँ, ताकि आप खुद से कर दिया करो, ठीक है? सो जस्ट डू इट, ओके? आई विल सी यू.